पंचायत चुनाव की तिथियों का ऐलान होने के बाद चुनाव आयोग ने अपनी अंतिम आरक्षण लिस्ट घोषित कर दी है। इसी के साथ आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में सभी को आरक्षण लिस्ट पर निर्णय की उम्मीद है। निर्वाचन आयोग ने कुल 4 चरणों में तिथियों की घोषणा कर दी है। प्रदेश के सभी 75 जिलों के ग्राम सभा की सीटों पर चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन सीतापुर की 3, बहराइच की 1 और गोंडा की 9 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा न होने के कारण वहां चुनाव नहीं होगा। सभी 18 मंडल के 1-1 जिलों में पहले चरण का चुनाव होगा। 2 मई को मतगणना होगी। चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही यूपी में आचार संहिता लागू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज आरक्षण के मामले पर सुनवाई होगी, जहां से निर्णय आने की संभावना है। पहले चरण के लिए 3 अप्रैल से नामांकन शुरू होगा, वहीं दूसरे चरण के लिए 7 से 8 अप्रैल तक नामांकन किया जा सकेगा। तीसरे चरण के लिए 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक नामांकन होगा, वहीं चौथे चरण के लिए 17 अप्रैल से 18 अप्रैल तक नामांकन का पर्चा भरा जा सकेगा। 15 अप्रैल को प्रदेश के कुल 18 जिलों में मतदान होने वाले हैं, जिनके नाम सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर, झांसी महोबा, प्रयागराज, मरेली, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर और भदोही होगा। 19 अप्रैल को दूसरे चरण में 20 जिलों में मतदान होने हैं, जिनके नाम मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी और आजमगढ़ है। वहीं तीसरे चरण के मतदान के लिए 26 अप्रैल को प्रदेश के 20 जिलों का चयन किया गया है, जिनमें शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर और बलिया को शामिल किया गया है। इसके अलावा 29 अप्रैल को चौथे और आखिरी चरण के लिए 17 जिलों में मतदान होने हैं, जिनके नाम बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फरुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, सीतापुर, अम्बेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र और मऊ।